हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं, रूबिक्स क्यूब की फर्स्ट लेयर कैसे सॉल्व करते हैं। तो रूबिक्स क्यूब की फर्स्ट लेयर ये होती है। तो रूबिक्स क्यूब तो आपने सुना ही होगा। पहले मैं आपको बेसिक नोटेशंस बता देता हूँ। एज वो होती है जिसमें दो कलर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें वाइट और रेड, इस पीस में वाइट और रेड कलर्स हैं, ये दो ही कलर्स हैं। तो ये एज है, जिस पीस में दो कलर हों वो एज होती है। जैसे कि ये दो कलर के हैं तो ये एज है, यहाँ पे भी दो कलर है इस पीस में तो ये भी एज है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये चार एज हैं ऊपर की। और कॉर्नर्स वो होते हैं जिनमें तीन कलर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट, रेड और ब्लू है, इनमें तीन कलर्स हैं, तो मतलब ये कॉर्नर। और कॉर्नर हमेशा वर्टेक्स में होते हैं पूरे, क्योंकि हर जगह वर्टेक्स जहाँ रहती है वहाँ पे हर जगह आप कॉर्नर देखेंगे, हर जगह तीन कलर वाले पीसेस ही हैं। और सेंटर पीस तो आपको पता ही होगा, जो भी कलर है उसके बीच में जो ब्लॉक रहता है, जैसे कि ये है तो ये सेंटर पीस है, ये ऑरेंज का सेंटर पीस है, ये वाइट का, ये ब्लू का। तो चलिए पहले बनाने के लिए इसे स्क्रैम्बल कर देते हैं। तो अब ये क्यूब स्क्रैम्बल हो चुका है। तो सबसे पहले आप कोई भी कलर का सेंटर पीस लीजिए, आप रेड का भी ले सकते हैं, ऑरेंज का भी, ब्लू का भी, पर मनी सबसे ज्यादा समझने में आप व्हाइट वाला लें तो सबसे अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैंने व्हाइट का सेंटर पीस अपने अपर लेयर में रखा है यहाँ। तो मेरे फ्रंट लेयर में कौन सा कलर का सेंटर पीस है पहले देखो। फ्रंट लेयर में यहाँ रेड कलर का है, तो व्हाइट तो अपना परमानेंट सेंटर पीस है, ऐसे अपन अपर लेयर में ही रखेंगे और फ्रंट लेयर में रेड है। तो अपन को ऐसा एज ढूंढना है, एज तो आपको याद ही होगा जिनमें दो कलर रहते हैं, तो ऐसा एज ढूंढना है जिनमें व्हाइट और रेड कलर के रेड कलर हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बगल पे ही मिल गया है, यहाँ पे व्हाइट और रेड कलर दोनों हैं इस एज में, व्हाइट और रेड कलर। तो अब अपन को इस एज को यहाँ व्हाइट और रेड के बीच में लाना है, ये दो सेंटर पीस के यहाँ पे लगाना है, जहाँ पे ये येलो और ऑरेंज का एज है। तो ये सिंपल आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि व्हाइट को यहाँ लाने के लिए बस एक बार फ्रंट लेयर को घुमाना होगा। पर कभी कभार ये सिचुएशन आती है कि रेड को अपन को नीचे लाना रहता है और व्हाइट को ऊपर, पर रेड व्हाइट की जगह पे लग जाता है और व्हाइट रेड की जगह पे। तो इसके लिए एक एल्गोरिदम है, आप डायरी या किसी कॉपी में भी लिख सकते हैं, मैंने डायरी में लिखा है ये वाली एल्गोरिदम। फ्रंट को एक बार राइट साइड में घुमाएंगे फ्रंट लेयर को, सेंटर लेयर को एक बार लेफ्ट साइड में घुमाएंगे, फ्रंट लेयर को वापस राइट साइड में घुमा देंगे। और सेंटर पीस चाहे किसी भी साइड में हो, ऐसे भी आप घुमा के ला सकते हैं, किसी भी साइड से ला सकते हैं, सेंटर पीस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंटर पीस को मैंने रेड से अरेंज कर दिया। अब ये देखिए व्हाइट से व्हाइट जुड़ गया और रेड से रेड, अपन को ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही अगले कलर में करना है। आप लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी साइड में जा सकते हैं उसका एज ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे अपना रेड का एज लग चुका है, अब अपन लेफ्ट या राइट साइड किसी भी कलर में जा सकते हैं, तो मैं लेफ्ट साइड गया हूँ। तो अब व्हाइट की फ्रंट लेयर में अपने में कौन से कलर का सेंटर पीस है, ग्रीन। तो अपन को अब व्हाइट और ग्रीन कलर का एज ढूंढना है जिसमें कलर व्हाइट और ग्रीन है। तो ये अब यहाँ पे है सेंटर पीस इस साइड है, उसके लेफ्ट साइड वाले फेस में नीचे है डाउन लेयर में। अब अपन को यही रखे रहने देना है और व्हाइट लेयर को नीचे लाने के लिए इस वाली लेयर को नीचे लाएंगे। सेंटर पीस की चिंता मत करना, सेंटर पीस कभी भी ऐसे लगा सकते हैं, कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब व्हाइट वाला यही रहेगा, बस व्हाइट को नीचे ले आए अपन यहाँ से, और व्हाइट वाला यही रहेगा, तो व्हाइट लेयर व्हाइट वाले एज को इस व्हाइट से जोड़ देंगे। अब वापस जहाँ व्हाइट का सेंटर पीस है वहां वापस ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पे रेड का पीस है वो इस साइड आ गया, अब रेड को वापस अपन व्हाइट से। तो अब जैसे कि अपन ने रेड का लगाया तो वैसे ही व्हाइट का है। अब यहाँ पे एल बन चुका है, ऐसे ही अपन को ऑरेंज और ब्लू कलर के भी जोड़ना है जिससे व्हाइट का ऊपर प्लस बन जाए। तो अब इसी तरह अपन ऑरेंज का भी लगा देंगे, ऑरेंज का अपन ऐसा ढूंढेंगे जिसमें व्हाइट और ऑरेंज दोनों कलर हों साइड में। यहाँ पे व्हाइट और ऑरेंज है, ये एकदम अपोजिट फेस में है डाउन लेयर में, तो अपन इसको ऑरेंज से ऑरेंज जोड़ देंगे। बस अब बहुत इजी है, जैसे कि अपन ने इसको लेफ्ट साइड में रखा था, अब आप राइट या लेफ्ट साइड में कहीं पे भी लग सकते हैं। फिर से मैंने अपनी राइट साइड में रखा है इसे, अब व्हाइट को वापस नीचे ले आएंगे। सेंटर पीस की चिंता मत करिएगा, और व्हाइट इस साइड था एज, तो व्हाइट को व्हाइट से जोड़ देंगे। अब वापस जहाँ सेंटर पीस था व्हाइट का, इसे वापस ऊपर ले आएंगे। बस अब देखिए आधा प्लस बन गया अपन को, अब ब्लू भी इसी तरह लगा देंगे। अब अपना आधा काम फर्स्ट लेयर के लिए ऐसे ही हो गया, समझो प्लस बन गया, तो आधा काम ऐसे ही हो गया। तो प्लस अपन का बन चुका है व्हाइट का, और नीचे देखिए हर एक का एज जुड़ रहा है हर एक के कलर से, ग्रीन का भी, ऑरेंज का भी, ब्लू का भी। अब
अपन को क्या काम करना है, व्हाइट को तो अपन मेन रखेंगे ही व्हाइट कलर के सेंटर पीस को। अब व्हाइट कलर के सेंटर पीस में जो अपन रख रहे थे आज के लिए ऑरेंज, अब दो कलर के साथ साथ व्हाइट और ऑरेंज के साथ साथ लेफ्ट साइड या राइट साइड वाले फेस का सेंटर पीस भी ले ले। मैं लेफ्ट साइड का ले रहा हूँ, आप ग्रीन भी ले सकते हैं राइट साइड के फेस का। मैं लेफ्ट साइड का लिया। अब अपन को कॉर्नर में तो तीन कलर होते हैं, तो ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जिनमें व्हाइट, ऑरेंज और ब्लू तीन कलर हो। तो अब मुझे यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे है। तो जब भी आपको कोई भी मिले कॉर्नर, तो या तो वो अपर लेयर में होता है या तो डाउन लेयर में, क्योंकि हमेशा वो वर्टेक्स में ही रहता है। तो जैसे कि मुझे यहाँ एकदम ऑपोजिट साइड में मिला है, अपन को इस वाले कॉर्नर को यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे लगाना है, तो उस कॉर्नर को अपन यहाँ पे लगाना है, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ले आएंगे घुमा के डाउन लेयर को। ये देखिए यहाँ पे मैं ले आया हूँ, यहाँ पे लगाना है। तो अब इसे अपन अपनी राइट साइड में रखेंगे कॉर्नर को नीचे, और ये एल्गोरिथम आप डायरी में भी लिख सकते हैं, मैंने भी डायरी में ही लिखा है। एक बार डाउन लेयर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे, राइट लेयर को एक बार नीचे, डाउन लेयर को वापस राइट साइड में, और राइट लेयर को वापस ऊपर। ये अपना लग चुका है यहाँ कॉर्नर। अपन व्हाइट से व्हाइट जुड़ गया है, और ऑरेंज से ऑरेंज जुड़ गया है, और ब्लू से ब्लू। अब ऐसे ही अपन इस साइड ले आएंगे। कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसमें एक बार में नहीं लगता है, तो ये अपना नीचे रखा है। अब मैं सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, अगर नहीं है तो एक बार में भी लग जाता है। तो वही एल्गोरिथम लगाएंगे, लेफ्ट डाउन लेयर को एक बार लेफ्ट में, राइट लेयर को एक बार नीचे, डाउन लेयर को एक बार राइट में, डाउन लेयर राइट लेयर को एक बार वापस ऊपर। अब अभी भी नहीं लगा है तो इस एल्गोरिदम को वापस चलाएंगे, राइट लेयर को एक बार नीचे, लेफ्ट लेयर को एक बार डाउन लेयर को एक बार लेफ्ट साइड, राइट लेयर को एक बार ऊपर, डाउन लेयर को एक बार राइट साइड। फिर इसी एल्गोरिदम को बार बार चलाते रहेंगे। और ये देखिए एक बार ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जिसमें ये लग जाता है। अब ऐसे ही अपन ब्लू तो अपना रखेंगे ही, ऑरेंज भी रख सकते हैं, पर मैंने ब्लू रखा है। ब्लू के लेफ्ट साइड में कौन से कलर का सेंटर पीस है? रेड। तो अब अपन को ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जिनमें व्हाइट, ब्लू और रेड कलर। तो व्हाइट, ब्लू एंड रेड कलर का ये देखिए यहाँ रहा, तो इसे भी अपन को यहाँ लगाना है, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ ले आएंगे घुमाकर। देखिए मैं यहाँ ले आया। फिर वही वाली एल्गोरिथम चलानी है, डाउन को एक बार लेफ्ट, राइट को एक बार नीचे, डाउन को एक बार राइट, राइट को वापस ऊपर। अभी भी नहीं लगा है तो वापस राइट को नीचे, डाउन को एक बार लेफ्ट, राइट को एक बार ऊपर, डाउन को एक बार राइट। फिर से यही एल्गोरिथम चलानी है बार बार जब तक हो ना जाए। तो इसमें भी यही हो गया है। तो देखिए व्हाइट से व्हाइट जुड़ गया है, ब्लू से ब्लू जुड़ गया है, रेड से रेड जुड़ गया है। तो ऐसे ही अपन सारे कॉर्नर्स को लगा लेंगे उनके कलर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी फर्स्ट लेयर बन के तैयार हो चुकी है। अपना व्हाइट वाला मेन सेंटर पीस था, तो उसके सारे ब्लॉक पीसेज लग चुके हैं व्हाइट कलर के। और यहाँ पे ऑरेंज की एक यहाँ पे लाइन बनी है, मनी जुड़ा है उससे ग्रीन, इसे ही कहते हैं फर्स्ट लेयर। तो अपनी फर्स्ट लेयर बन के तैयार हो चुकी है। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अभी के लिए बाय बाय।